राजस्थान के सीकर जिले के रोल साहब सर गांव के रहने वाले जवान मुनाफ खान का जयपुर में निधन हो गया। मुनाफ खान 24 ग्रेनेडियर जयपुर में तैनात थे और 30 साल के मुनाफ खान 10 साल से सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जैसे ही जवान मुनाफ खान का पार्थिव देह उनके पैतृक गांव में पहुंची तो कोहराम मच गया। शहीद का राजकीय सम्मान के साथ शहीद की पार्थिव देह को सुपुर्दे खाक किया गया। जवान की पार्थिव देह फतेहपुर से उनके पैतृक गांव तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ युवाजन भी शामिल हुए। जवान मुनाफ खान का परिवार सेना से लगातार जुड़ा हुआ है। इनके दादा इनायत खान भी सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मुनाफ खान का भाई सोहेल खान भी सेना में फिलहाल जम्मू कश्मीर में तैनात है। मुनाफ खान के गांव रोल साहब सर के युवा सेना में जाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। युवा ने बताया कि मुनाफ खान जब भी गांव आते तो उनका सपना था कि गांव का हर युवा सेना में अपनी सेवाएं दे, और इसको लेकर वे युवाओं का मनोबल बढ़ाते रहते थे। शहीद हुए जवान मुनाफ खान का पूरा गांव सेना से जुड़ा हुआ है। गांव के 40 से 50 जवान सेना में ड्यूटी दे रहे हैं, जबकि गांव में 150 से ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक है। शहीद हुए जवान मुनाफ खान पिछले 10 साल से सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे और अब वे वीरगति को प्राप्त हो गए, जहां आज उनके पैतृक गांव में शहीद के शव को सुपुर्दे खाक किया गया।